दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन ये क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यदि दोस्तों आपको भारत सरकार और राजस्थान सरकार की कोई भी नई नई योजनाओं के बारे में किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तथा एजुकेशन संबंधित सभी सूचनाओं की पल पल की अपडेट जल्द से जल्द और तुरंत प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के दिशा निर्देश। अब हम आपको बताते हैं कि ये RTE क्या होती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल पर कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्लभ वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालक और बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य में लगभग 36,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाना, सरकार समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रम साध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2013-14 में राज्य सरकार ने यह संपूर्ण कार्य ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया है। तो इसमें बताया गया है कि RTE में कि एंट्री लेवल पर कक्षा की जो 25% सीट्स हैं उन पर केवल दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है। एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालयों को अपने विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। तो इसमें प्रवेश के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। उस बच्चे को दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। कौन कौन बच्चे इसमें शामिल होते हैं, देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता और संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्व सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की आय 2.5 लाख रुपये या इससे कम हो,
या फिर दोस्तों ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची यानी कि केंद्र या राज्य सूची में सम्मिलित हो, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आयु संबंधित योग्यता क्या बताई गई है, इसका एंट्री लेवल कक्षा का नाम, इसका नाम है फर्स्ट, और प्रवेश हेतु आयु कितनी होनी चाहिए, इसके लिए 5 वर्ष या इससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। आपको बताया गया है कि इसमें आयु के लिए 5 वर्ष से तो अधिक होनी चाहिए लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब हम आपको बता दें कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र, बालक या अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के संबंध में बालक या अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेज के रूप में उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल जो कि 6 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर पानी का बिल वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना मान्य नहीं है। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको देना पड़ेगा। इसमें ग्राम या वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है, यदि कि दोस्तों जिस भी वार्ड या जिस ग्राम से आप बिलोंग करते हो उसका स्पष्ट उल्लेख उस डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि दोस्तों निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, ये जो प्रमाण पत्र है ये दोस्तों आपके किसी समक्ष अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप दोस्तों कि सीधा प्रमाण पत्र ले जाए, नहीं दोस्तों, आपको इसके लिए किसी समक्ष अधिकारी द्वारा इसको जारी करवाया जाना जरूरी है। इसमें दोस्तों आयु के लिए क्या दस्तावेज होना चाहिए, प्रवेश के लिए आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अधिनियम बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में आप अस्पताल या सहायक नर्स या दाई ANM रजिस्ट्रेशन अभिलेख या फिर आप आंगनवाड़ी अभिलेख या फिर आप आधार कार्ड, उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्मतिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक होगा। प्रवेश के उपरांत जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्र 2020-21 के लिए इसका टाइमिंग फ्रेम क्या है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पर विज्ञापन जारी करना, सेकंड नंबर पर विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना यानी कि 8 जुलाई 2020 तक, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना यानी कि अभिभावक इसको ऑनलाइन आवेदन कब कर सकते हैं, इसकी डेट है दोस्तों 9 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक। देखिए दोस्तों ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों को वरीयता क्रम ये 30 जुलाई 2020 और अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरांत इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना, इसके लिए डेट है दोस्तों 7 अगस्त 2020 तक। बालकों का विद्यालय में प्रवेश ये दोस्तों 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक। निःशुल्क प्रवेश बालकों एवं शेष 75% सीट्स पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एंट्री, ये दोस्तों 7 अगस्त 2020 से और 31 2020 तक होगी। अब हम आपको बता दें दोस्तों इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कोई भी आवेदक अपने परिक्षेत्र और गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए हो संचालित हो तो उसमें लड़कों वाले में केवल लड़के और लड़कियों वाले में केवल लड़कियाँ ही अप्लाई कर सकती हैं। सर तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल यानी कि इसकी ये जो ऑफिशियल साइट है इस पे जाना होगा। इस साइट पर दोस्तों बालक एवं स्वयं के संबंध में पात्रता संबंधित आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होंगी।
आवेदन में मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इस पर एप्लीकेशन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने मोबाइल नंबर इसके लिए अति आवश्यक हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन के समय बालक या माता पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्मतिथि, अन्य सूचनाएं सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि और अन्य जितनी भी जो सूचना हैं उनको सावधानी पूर्वक भरें, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं खड़ी हो सके। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अभिभावक की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप के नाम से भी ये ऐप डाल रखा है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको हमने RTE 2020-21 की संपूर्ण जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।